नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह को जेडीए द्वारा नोटिस इशू किया गया है और इस नोटिस में ये कहा गया है कि जो बन में आपने अपना घर बनाया है वो घर अवैध तरीके से आपने उसकी कंस्ट्रक्शन की है। जेडीए द्वारा ये कहा गया है कि किसी भी तरह का जो स्ट्रक्चर वो खड़ा किया गया है वो हर प्रकार से इल्लीगल स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से इस स्ट्रक्चर के लिए आपने परमिशन जो है वो नहीं ली है। आपको बता दें कि ये बन में बना हुआ ये पैलेशियल बंगलो, ये वही बंगलो है जिसमें डिफेंस के साथ जो है ऑलरेडी एक मामला जो है सब जुडाइस है, कोर्ट में एक मामला जो है सेना के साथ जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि उस वक्त कुछ साल पहले डिफेंस की तरफ से भी ये कहा गया था कि जो ये घर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर की जा रही है ये नहीं होनी चाहिए। बाकायदा डीसी जम्मू को, उस वक्त के जो डीसी थे उनको भी डिफेंस की तरफ से लेटर लिखा गया था। हालांकि डॉक्टर निर्मल सिंह का ये कहना है कि उनका जो है मामला इस घर को लेकर वो मामला कोर्ट में है, सब जुडाइस है और उन्हें इस बंगलों को लेकर, इस घर को लेकर बेवजह परेशान करने की और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस मुद्दे पर जब हमने इस नोटिस को लेकर जब हमने डॉक्टर निर्मल सिंह से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्होंने अपने लॉयर को इस चीज़ के लिए बोल दिया है और वो जो भी लीगल रेमेडी है उसकी ओर जाएंगे। यानी कि साफ है, क्योंकि जो जेडीए का लेटर है, जो जेडीए ने लेटर इशू किया है, आज 4 साल के बाद करीब ये लेटर हमें लगता है कि इशू हुआ है, क्योंकि मामला बहुत पुराना है, लेकिन जेडीए अब इस पर नोटिस इशू कर रहा है कि ये पूरा का पूरा घर जो है अवैध तरीके से बनाया गया है। और जेडीए ये कह रहा है कि आपको नोटिस इशू होने के 5 दिन के भीतर भीतर आपको जवाब देना है। आपको खुद क्या, आप खुद अगर आप इसको हटाते हैं, जो भी इल्लीगल स्ट्रक्चर बनाया गया है उसको आप खुद रिमूव करिए, वरना अगर जेडीए द्वारा इसको रिमूव किया जाता है तो उसका जो खर्चा आएगा वो खर्च भी आपको भरना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, और डॉक्टर निर्मल सिंह को ये नोटिस जो है इशू किया गया है जेडीए की तरफ से। और डॉक्टर निर्मल सिंह ये कह रहे हैं कि वो अब इस नोटिस को लेकर, नोटिस के खिलाफ जो है जेडीए की, ये जो जेडीए ने ये जो कार्रवाई करने के लिए कहा है इसके खिलाफ वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उन्होंने अपने वकील से इसको लेकर बात भी कर दी है। हालांकि बात रही नोटिस इशू होने की, तो सवाल प्रशासन पर भी उठते हैं कि मामला कई साल पुराना है और लगातार इस पर बातें होती रही हैं, कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं डॉक्टर निर्मल सिंह से। कई नेताओं ने भी इस पर सवाल किए हैं कि बीजेपी के नेता हैं और उप मुख्यमंत्री रहे हैं तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं। तो ऐसे में जेडीए तब चुप था, और पिछले दिनों हमने देखा कि एक आरटीआई जिसमें आरटीआई के जवाब में जो है जेडीए ने जवाब दिया था, उस आरटीआई के रिप्लाई में जो जवाब दिया था, जवाब में जेडीए ने एक डॉक्टर निर्मल सिंह का जो घर है और उसके साथ एक और शख्स हैं उनकी भी वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो उन्होंने कहा था कि ये अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन हुई है। यानी कि सभी के सभी अधिकारी क्या मिले हुए थे, क्या वो अधिकारी तब सोए थे, जो अधिकारी उस वक्त थे उनकी नज़र में क्या ये मामला नहीं था, क्या ये कंस्ट्रक्शन जब हो रही थी तब आपका इन्फोर्समेंट विंग कहाँ था, तब आपके बड़े अधिकारी कहाँ थे, क्यों नहीं उस वक्त किसी ने भी इस ओर ध्यान दिया कि यहाँ पर एक इल्लीगल स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा रहा है तो इस स्ट्रक्चर को बंद करवाना है, इस स्ट्रक्चर को जो है जितना बना है उसको भी हमें हमें उसको गिराना है, हमें इस स्ट्रक्चर को बनने नहीं देना है। आखिर क्या वजह है, आखिर क्यों ये जो अधिकारी होते हैं ये मौन रहते हैं, और जब मामला बाहर आता है, तूल पकड़ता है, तो फिर ये बड़े जल्दी से एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब से आरटीए का रिप्लाई जो सामने आया है डिपार्टमेंट की तरफ से, जब से उन्होंने कहा है कि दो जो ऐसे स्ट्रक्चर हैं वो इल्लीगल तरीके से बनाए गए हैं बिना किसी परमिशन से, तो वो एक डॉक्टर निर्मल सिंह और एक और शख्स का जो स्ट्रक्चर है वो बना है, उस पर उसके बाद से ही जेडीए बड़ा एक्टिव हो गया है। और अभी जो वाइस चेयरमैन हैं जेडीए के जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उनकी तरफ से ये कहा गया है नोटिस इशू करके कि आपका ये जो आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है, आपने ये जो घर बनाया है ये हर तरह से इल्लीगल है, आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से किसी तरह की परमिशन नहीं ली। अब जेडीए की मंशा पर सवाल यही उठते हैं कि अधिकारी पहले क्या सोए होते हैं, जब ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं तब क्या आप सोए होते हैं, या फिर आपको तभी पता चलता है जब किसी स्ट्रक्चर के, या फिर इस तरह से कहें कि एक बड़े नेता ने जो घर बनाया है उसके घर बनाने के बाद जो बवाल मचा, जो एक सियासी
हलचल हुई उसके बाद आप जागे, क्यों ना आपके अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उतने ही जिम्मेदार जितने जिम्मेदार डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं कि अगर उन्होंने ये घर बनाया है, इलीगल स्ट्रक्चर अगर उन्होंने बनाया है तो उन्होंने आप अधिकारियों की नज़र में रहते रहते ही ये बनाया है। ऐसा तो है नहीं है कि आपको पता नहीं था कि वहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। तो ऐसे में अब डॉक्टर निर्मल सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और अब अगर यहाँ पर कार्रवाई होती है, अगर यहाँ पर पीला पंजा चलता है, तो ये एक मिसाल भी होगी कि अक्सर ये कहा जाता है कि JDA जो है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या फिर जो भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जो भी ये एनक्रोचमेंट हटाने वाले जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, अक्सर उन पर आरोप होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों पर, गरीब तबके के जो लोग होते हैं उन पर ही कार्रवाई करते हैं। तो क्या अब ऐसे में डॉक्टर निर्मल सिंह को जो ये नोटिस इशू हुआ है, इस नोटिस के मुताबिक जो कहा गया है कि 5 दिनों के भीतर अगर वो खुद रिमूव कर देते हैं तो ठीक है, वरना JDA खुद इस घर को जो है रिमूव करेगा, इस स्ट्रक्चर को जो है ढहा देगा। यानी कि अब देखने वाली बात यही होगी, और बड़ी खबर जो है यही होगी कि क्या इस नोटिस पर कार्रवाई होगी, या फिर डॉक्टर निर्मल सिंह जिस तरह से कह रहे हैं कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, उन्होंने अपने वकील से बात कर ली है, और हो सकता है कि वो इस नोटिस के अगेंस्ट जो है एक स्टे ऑर्डर ले आए इस तरह का, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी ऐसे कोई नोटिस इशू होते हैं तो ऐसे नोटिस के खिलाफ जो है जो ऑनर होते हैं, जिनके खिलाफ इस तरह के नोटिस जाते हैं, वो कोर्ट का सहारा लेते हैं। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.